गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्लोव बड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्लोव जो रहता है इसका जो जनरल उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। क्लोव बिलोंग्स टू विच ड्रग ग्रुप, मतलब उसके यूज़ क्या है। तो उसका यूज़ है मेनली कार्मिनेटिव करके वो यूज़ होता है। सिनोनिम ऑफ क्लोव, क्लोव का सिनोनिम क्या है। लौंग हिंदी में या मराठी में इसको लवंग ऐसा भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव, क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स है यूजेनिया कारियोफाइलस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ क्लोव इज यूजिनॉल, उसमें यूजिनॉल प्रेजेंट रहता है, वो उसके वोलाटाइल ऑयल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। फैमिली ऑफ क्लोव, मिरटियासी ये उसकी फैमिली है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ क्लोव इंक्लूड एक्सेप्ट, उसका अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो उसमें हाइपेंथियम जो उसका स्टॉक रहता है, सेपल्स मतलब जो उसमें कवरिंग साथ में कांटे जैसे रहते हैं वो, और कोरोला जो बीच का पोर्शन रहता है दैट इज़ नोन एज कोरोला। तो उसमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहती है, सिर्फ स्टिग्मा जो है वो उतना कैरेक्टरिस्टिकली नहीं प्रेजेंट रहता है। टी एस एपिडर्मिस ऑफ क्लोव शोज, अगर हम क्लोव का टी एस देखें तो वहाँ पर हमको क्या क्या दिखेगा। तो स्टोमेटा दिखेंगे, क्यूटिकल जो आउटर लेयर रहती है वहाँ पर दिखेंगे, ट्राइकोम्स, आउटर कॉर्क, स्ट्राइएशन। तो ये जो चारों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं, सिर्फ पहला वाला याद रखें, स्टोमेटा इन क्यूटिकल्स ये प्रोमिनेंट फीचर्स में आता है एपिडर्मिस। टी एस ऑफ क्लोव शो फॉलोइंग, क्या क्या दिखेगा एक्सेप्ट, मतलब पहला ऑयल ग्लैंड दिखेंगी, पेरिसेरेटिव फाइबर दिखेंगे, वैस्कुलर बंडल दिखेंगे, जो बी ऑप्शन है ना मेडुलरी रेस वो नहीं दिखेंगे। ये बार्क्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना गया है। क्लोव स्टॉक्स आर यूज टू अडल्टेट द पाउडर क्लोव एंड आर डिटेक्टेड बाय, अगर क्लोव में हमारी पाउडर जो क्लोव बर्ड होते हैं उसमें क्लोव स्टॉक्स को एडमिनिस्टर किया गया, एडल्ट्रेट किया, मिलावट की गई, तो उसको कैसे पहचानेंगे। उसको पहचानने का तरीका है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक्स क्लोराइड्स एंड प्रिजम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स अगर विजुअलाइज होते हैं उसके ट्रांसफर सेक्शन में, तो इसका मतलब उसमें क्लोव स्टॉक को अडल्ट्रेट किया गया है। ऑयल ग्लैंड्स इन टी एस ऑफ क्लोव आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ पैरेन्काइमा, तो ऑयल ग्लैंड जो है वो जो सबसे आउटर लेयर क्यूटिकल के जस्ट बाद वाली जो लेयर है एपिडर्मिस और आउटर लेयर, वहाँ पर हमको ऑयल सेल्स दिखते हैं। टी एस ऑफ क्लोव थ्रू हाइपेंथियम डज नॉट शो ओवरी, हाइपेंथियम मतलब स्टॉक जैसा जो ऊपर का पोर्शन होता है लकड़ी जैसा, वो उसमें ओवरी नहीं रहती, ओवरी जो है ना अपर पोर्शन में रहती है। द जोन ऑफ एयर स्पेसेस इन टी एस ऑफ क्लोव इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा, जब हम टी एस देखते हैं तो वहाँ पे हमको ऐसे एयर स्पेसेस दिखते हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज पैरेन्काइमा। ओके नेक्स्ट, द सेंट्रल मोस्ट पार्ट इन द टी एस, टी एस में जो सेंटर का पार्ट है जहाँ पर फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स रहते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं कॉलुमेला। क्लोव और क्लोव बर्ड्स ये जेनाइन ड्रग है, ठीक है, आर यूज टू अडल्ट्रेट, इसमें अडल्ट्रेशन किया जाता है, कभी मदर क्लोव से किया जाता है जो क्लोव का टोटल फ्रूट है। ब्लोन क्लोव मतलब क्लोव का फ्लावर होता है, यहाँ फ्रूट लिखा है, क्लोव का फ्लावर होता है वो, और क्लोव स्टॉक है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे ऑल ऑफ दी अबव, क्लोव को अडल्ट्रेट किया जाता है मदर क्लोव से भी, ब्लोन क्लोव से भी, क्लोव स्टॉक से भी, और ऑल ऑफ दी अबव। ब्लोन क्लोव का मतलब आप याद रखेंगे क्लोव का फ्लावर होता है। टू वॉच द वीडियो ऑन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ क्लोव बर्ड काइंडली क्लिक ऑन द लिंक गिवन एट द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।